आपके पास क्या है बेटे? आपको देखना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है। सब बच्चे थोड़ा सा समझ लीजिए। साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x, साइन 7x, और ये आपको चाहिए। तो हमें क्या करना है, जब इस तरह से एंगल दिए जाएं तो अच्छा है पेयरिंग कर लीजिए और रीऑर्डर कर लीजिए। रीऑर्डर का क्या है, जब हमारे पास, आप कहीं से भी वैसे तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ फर्स्ट टू साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू हाँ कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू। यस, तो इसमें एक्स माइनस वाई आना है। अब अगर एक्स हमारा स्मॉल एंगल होगा और वाई लार्जर होगा तो फिर वो नेगेटिव आएगा। तो अच्छा ये है कि अगर आप इनको रीअरेंज कर लो तो आपको उससे प्लस माइनस से जान बच जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास जिस तरह से ये फोर टर्म्स हैं, इसको पेयरिंग कर लो। पेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 7 + 1 क्या है भाई? 7 + 1 एट और 3 + 5 एट 8, तो उससे क्या होगा, कुछ टर्म्स हमारी कॉमन आ जाएगी। तो आप क्या करो, आप इसको कुछ इस तरह से लिख लो, साइन 7x विद साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x। तो इस तरह से आप रीऑर्डरिंग कर लो इसकी और पेयरिंग कर लो। अब आप जो आपने अभी फॉर्मूला फॉर्म किया बताया था, टू साइन सी प्लस डी, 7 + 1 एट, 8/2 4x, एंड कॉस सी माइनस डी, 7 - 1 6, 6/2 3x प्लस। बताओ सब बच्चों को इस बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू। सी हमारा 7 है और डी हमारा एक्स है, तो 7 + 1 8, 8/2 4x, एंड 7 - 1 6, 6/2 3x। इसी तरह से हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x है, तो यहाँ पे भी पहला हमारे पास साइन आएगा 5 3 8, 8/2 4x, एंड दूसरा कॉस आएगा 5 - 3 2, 2/2 1x। अब इस तरह से करने से हमारे पास क्या आ गया, कुछ कॉमन आया क्या? 2 sin 4x ले लीजिए कॉमन, देखिए कुछ फिर कुछ रास्ता मिलेगा। तो आपके पास आ गया कॉस 3x प्लस कॉस एक्स। तो क्या कॉस सी प्लस कॉस डी कोई फॉर्मूला होता है? यस सर। क्या फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी का? 2 cos x + y/2 cos x - y/2। तो x प्लस वाई 3 + 1 4, 4/2 2x। ध्यान रखिएगा, कॉस को प्लस करते हैं दोनों कॉस आते हैं, कॉस को माइनस करते हैं दोनों साइन आते हैं विद माइनस। तो हमारे पास क्या है, कॉस को प्लस किया 3 + 1 4, 4/2 2x, माइनस किया 3 - 1 2, 2/2 1x। ये हमारे पास आ गया और शायद यही हमें चाहिए था। हमारे पास जो है ऊपर देखो आप क्या आ रहा है, 2 2 4 कॉस एक्स, कॉस 2x साइन 4x। देखो यही था गया, 4 cos x cos 2x sin 4x। दैट्स इट। आओ सर देखो, तीन दो तीन क्वेश्चन है इसमें, अच्छे अच्छे से वो समझ। एक तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है 2 cos π/3 प्लस 9π/3 प्लस कॉस 3π/3 एंड प्लस कॉस 5π/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास 0 कब आएगा ये देखना है। जरा मुझे बताएंगे 2 cos A cos B कब आता है लेफ्ट हैंड साइड? टू कॉस पाई बाई 13 कॉस 9π/13 कॉस 3π/13 कॉस 5π/13। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला है,
समटाइम हम एल एच एस से लेते हैं फॉर्मूला, समटाइम आर एच एस से लेते हैं. तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि टू कॉस ए कॉस बी कब आता है, तो टू कॉस ए कॉस बी तब आता है जब हम कॉस को प्लस करते हैं. नहीं बेटे, जब हम कॉस को प्लस करते हैं. हाँ भाई, अगर हम कॉस को प्लस करते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तब हमारे पास दोनों कॉस आते हैं. माइनस करते हैं तो दोनों साइन आते हैं. तो ये जो हमारे पास टू कॉस ए कॉस बी आया होगा, ये तब आया होगा जब हमने कॉस को प्लस किया होगा. समझ में आया सर या नहीं आया? आया सर. कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास का. तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. तो कॉस ए प्लस बी, अब यहाँ आपकी चॉइस है. आप पाई बाई 13 को ए मान लीजिए, 9 पाई बाई 13 को बी मान लीजिए, या आप 9 पाई बाई 13 को ए मान लीजिए, पाई बाई 13 को बी मान लीजिए, क्योंकि इनटू में है, किसी को भी आप ले सकते हो. अगर पहले बड़े को ले लेंगे तो माइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं लेंगे तो माइनस आएगी लास्ट में. तो फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी. प्लस कॉस ए माइनस बी. और ये बाकी सब एज इट इज. अब आप जरा चेक करो क्या हुआ. 9 प्लस 1 10. वन माइनस नाइन एट पाई बाई 13. थ्री पाई बाई 13. फाइव पाई बाई 13. ये मैं पसंद. तो ये जो माइनस में आया है, अगर आपके पास पहले लार्जर एंगल होता तो नहीं होता. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कॉस माइनस थीटा क्या होता है. किसी बच्चे को बताए कॉस माइनस थीटा क्या होता है? सर कॉस थीटा होता है. Yes. तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं हो रहा. अब फिर देखो हमारे पास क्या है, हमें इज इक्वल टू जीरो चाहिए. इज इक्वल टू जीरो का मतलब सारे कैंसिल होने चाहिए. तो जरा हमारे पास देखो हो क्या रहा है. जैसे हमारे पास है 10 और ये हमारे पास है 3, तो क्या ये 13 हो रहा है? हाँ भाई, 10 प्लस 3. यस सर. और इसी तरह से अगर आप देखेंगे 8 और 5, क्या ये भी 13 हो रहा है? यस सर. तो जरा देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ. एक को देख लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा. 10 पाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 पाई माइनस 3 पाई. इस 10 पाई को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर. है ना भाई. अब एक लाइन और देखो, अगर मैं इसको अब इस ऐसे करूंगा 13 पाई बाई 13, 13 पाई बाई 13 कितना हो जाएगा? 13 अपॉन 13 पाई हो जाएगा. पाई हो जाएगा. तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, फिर मुझे बताना. मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 13. सब बच्चे बताओ, 10 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर. हाँ भाई, सब बच्चे बताइए. 13 बन जा 13 माइनस 3 10 पाई बाई 13 हो जाएगा. तो 13 को 10 पाई बाई 13 को हमने लिख लिया पाई माइनस 3. इसी तरह से हम 8 पाई बाई 13 को लिख रहे हैं प्लस कॉस पाई माइनस 5 पाई बाई 13. और ये 3 पाई बाई 13 को एज इट इज और 5 पाई बाई 13 को एज इट इज, इन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है. ये हमारे पास एज इट इज आ जाएंगे. लेकिन बताओ कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई? 3 पाई बाई 13. तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो बेटे? माइनस कॉस 3 पाई बाई 13. ये भी माइनस कॉस 5 पाई बाई 13. और ये प्लस में और ये भी प्लस में. तो देखो कैंसिल हो गया नहीं हो गया. कॉस 5 से कॉस 5 और कॉस 3 से कॉस 3. तो फाइनली आंसर जीरो.
दैट्स इट। तो एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, चेक कर लो जरा इसे समझ में आया या नहीं आया। सर ये जो आपने cos माइनस 8 पाई बाय 13 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया नीचे जी, cos माइनस 8 पाई बाय 13 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? पहली बात तो ये है कि cos माइनस 8 पाई बाय 13 cos 8 पाई बाय 13 ही होता है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए ठीक है। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो उसमें माइनस से कोई फर्क नहीं है। अब इस 8 को, 8 को मैं लिख रहा हूँ cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13, आप खुद देखो 13 बन जा 13 माइनस 5, तो 13 माइनस 5 कितना होगा? 8। ओके सर आगे आगे समझ में, सब बच्चे देखो थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? हाँ भाई ये सर आया। विवेक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा था थोड़ा सा, इसमें हमें खुद से सोचना पड़ता है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास थोड़ा सा, उसमें हमें करना पड़ेगा, बस दो क्वेश्चन है ये। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 26, हमारे पास क्या है cos 2x cos x by 2 लेफ्ट हैंड साइड, सर यहाँ ये इधर मोहम्मद अरमान इधर बुक लेके, अपनी मैथ्स की बुक ला उठा के पढ़ो बैठ के। तो ये हमारे पास है, अब मुझे बताओ यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई? क्या कोई हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी? हमें इस तरह के क्वेश्चन में यही सोचना पड़ेगा बेटे कि हम करें तो क्या करें, कहाँ से लाएं फॉर्मूला। जी बताइए क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने तो पढ़ रखा है क्लास, बताओ ना क्या करें। हमारे पास क्या है, अगेन वही फॉर्मूला है, अगर हम अपने पास से 2 ले आए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से हम इसको डिवाइड करें, तो जिससे डिवाइड किया है उसको तो हम बाहर ले लें। अब आप मुझे बताओ सब बच्चे, 2 cos a cos b अभी लिखा था ऊपर फॉर्मूला, क्या होता है 2 cos a cos b? बताओ भाई, ज्यादा हो गई क्या पढ़ाई, थक गए शायद आप लोग, छोड़ दें बस अब जी? नो आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, 2 cos a cos b क्या होता है? cos a plus b plus cos a minus b। फिर हमारे पास माइनस है, वो भी 2 cos a cos b ही रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 cos a sorry cos a plus b एंड प्लस कॉस ए माइनस बी, ऐसे आएगा, और इन सबसे बाहर हमारे पास 1/2 है।
इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, उम्मीद है आंसर आ जाएगा। 1 बाय टू, टू टू जा फोर प्लस वन, फाइव एक्स बाय टू, टू टू जा फोर माइनस वन, थ्री एक्स बाय टू, थ्री टू जा सिक्स प्लस नाइन, फिफ्टीन एक्स बाय टू, एंड थ्री टू जा सिक्स माइनस वन, माइनस थ्री एक्स बाय टू। आप सब बताओ कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रह गया फाइनली, कॉस 5x बाय 2 माइनस कॉस 15x बाय 2। लेकिन इसमें भी आप सब बच्चे ध्यान कर लीजिए, अच्छा रहेगा कि माइनस वाले को पहले लिख लिया कीजिए। माइनस को पहले लिखेंगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो इनसाइड आ जाएगा कॉस 15x बाय 2 और 5x बाय 2 माइनस का हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी। बताओ कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू और साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। यस, ये हमारे पास है बेटे। तो आप क्या करिए, टू से टू कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, साइन 15 प्लस 5 20, 20 बाय 2 10, 10 बाय 2 5x। एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ गया, 15 माइनस 5 10, 10 बाय 2 5 एंड 5 अपॉन 2। तो ये हमारा राइट हैंड साइड है सिंपल। तो कुछ क्वेश्चन में खुद से हमें फॉर्मूला एक तरह से डराइव करना पड़ेगा यूज करने के लिए, कहां हम 2 से मल्टीप्लाई करें, कहां हम डिवाइड करें, क्या करें। आया सर कुछ समझ में? तो कोशिश कर लीजिए इंशाल्लाह, कल फिर क्लास लेंगे, ठीक है? कल क्लास है मेरी, नहीं है? नहीं है। ठीक है जी, किसी को अगर एक्स्ट्रा में जरूरत होगी तो मुझे मैसेज कर लेना। तो अब आप ये फर्स्ट एंड लास्ट सारी एक्सरसाइज कर लीजिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज बचेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 3.4। तो किसी बच्चे को जरूरत है तो मुझे मैसेज कर देगा, तो इंशाल्लाह मैं क्लास दे दूंगा एक्स्ट्रा। चलो सर, अल्लाह हाफिज़।